सिटी इंडिया। उधर झारखंड में सियासी उठापटक के बीच चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद चंपाई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बन गए। और चंपाई सोरेन के शपथ लेते ही झारखंड में करीब 36 घंटों से चल रहा सियासी सस्पेंस खत्म हो गया। चंपाई सोरेन के साथ राजभवन में कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम और आरजेडी कोटे से सत्यानंद भोक्ता ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को बधाई दी। इसके बाद राज्य के बड़े अफसरों ने भी उन्हें गुलदस्ता देकर बधाई दी। चंपाई सोरेन की गिनती झारखंड के बड़े आदिवासी नेताओं में होती है। उन्होंने सबसे पहले 1991 में सरायकेला से विधानसभा का उपचुनाव जीता था। इसके बाद वो वहाँ से लगातार 7 बार विधायक चुने गए और हेमंत सोरेन की कैबिनेट में उन्हें दूसरी बार मंत्री बनाया गया था। लेकिन अब उनके कंधों पर झारखंड के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी। चंपाई सोरेन के शपथ लेते ही उनके गांव में जश्न शुरू हो गया। हालांकि झारखंड में हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद बनी नई सरकार को 10 दिन में बहुमत भी साबित करना होगा। मतलब 10 दिन के अंदर झारखंड की नई सरकार को विधानसभा में बहुमत की परीक्षा पास करनी होगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का दावा है कि उनके पास बहुमत के लिए जरूरी विधायकों की संख्या मौजूद है, लेकिन शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही गठबंधन सरकार के विधायक चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी को झारखंड में विधायकों की टूट का डर सता रहा है और इसी वजह से 39 विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद भेज दिया गया। राजभवन में शपथ ग्रहण के बाद रांची के सर्किट हाउस में इकट्ठा सभी विधायक एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट पहुंचे विधायकों से रांची छोड़कर हैदराबाद जाने पर मीडिया कर्मियों ने सवाल किए। बिकने वाले नहीं है विधायक, ये विधायकों को की सुरक्षा की बात है। थोड़ी देर बाद रांची एयरपोर्ट पर पहले से ही तैनात एक चार्टर्ड प्लेन में बैठकर सभी ने हैदराबाद के लिए उड़ान भरी। प्लेन के अंदर बैठे विधायकों का एक वीडियो भी सामने आया। गठबंधन के विधायकों को लेकर रांची से उड़ा चार्टर्ड प्लेन हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर उतरा। इसके बाद बसों में भरकर उन्हें अलग अलग 3 होटल में पहुंचा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन बाद सभी विधायक झारखंड वापस आएंगे और फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेंगे और झारखंड विधानसभा में नई सरकार का बहुमत साबित करेंगे। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार तो बना ली, लेकिन हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई। कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया और कोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी ने एक बार फिर हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला बोला। घोटाले पर घोटाले करते हुए हेमंत सोरेन ने झारखंड के आशा और आकांक्षाओं को धूल धूसरित किया, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने लोकतंत्र की परंपरा पर प्रहार किया और चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की। हमारी लोकतंत्र के परंपरा पर बीजेपी का एक और प्रहार है। झारखंड में हुए जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 दिन पहले हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और अब 5 दिनों तक कस्टडी में रखकर उनसे पूछताछ करेगी।